अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। भवानी तू पहले बैठ जा, आज बैठ जहाँ तू समझ नहीं रही है। अरे अम्मू के आयु होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं उसकी रक्षा करूँ। हाँ। तुम लोगों ने देखा नहीं, अरे वो औरत अपने खुद के बेटे के साथ इतना बड़ा खेल खेल सकती है, उसके उसकी जिंदगी दांव पे लगा सकती है, तो सोचो ना वो हमारे अम्मू के साथ क्या क्या करेगी। उसका कुछ भी बुरा करने से वो हिचकिचाएगी नहीं। अरे सामने खड़ा नहीं करती, ऐसे गुस्से से देखती है, दिल में सिर्फ नफरत है मेरी अम्मू के लिए। भवानी मैं तेरा डर समझ सकती हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आंटी आप ना आई को डराओ मत, आई तू परेशान मत हो ना, तू ज्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू चुप रह, मैं बात कर रही हूँ ना इसके साथ। एक मिनट, क्या कहा तूने? उठ, क्या कहा? मैं ज्यादा सोच रही हूँ? हाँ तूने अभी टीवी में देखा नहीं? देखा ना उस बबीता आहूजा ने जो किया है ना, वो दुनिया की कोई भी माँ सोच भी नहीं सकती। और तू कह रहा है कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ? और तू क्या चाहता है? इतना सब होने के बाद, उस औरत की असलियत जानने के बाद, मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ और इंतजार करूँ कि कब वो औरत मेरे अम्मू को निशाना बनाए? हाँ तू चिंता मत कर, हम सब है ना अम्मू के साथ। वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि हम है ना, हम है अम्मू के लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने अम्मू ना हमारे पास आ जाए, यहाँ आ जाए। मैं नहीं चाहती कि वो उस शादी में रहे, और शादी भी कैसे जबरदस्ती वाली, हाँ खेल बना के रखी है, हर रोज कोई ना कोई आता है और बिगड़ता रहता है। और जब से वो आ गई है ना, तब से वो सिर्फ मुश्किल में, और मैं अब अम्मू को मुश्किल में नहीं देख सकती। बस अम्मू की भलाई इसी में है कि वो इस रिश्ते को खत्म कर दे। वैसे भी जिस रिश्ते में लोग ही खुश नहीं है, वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता। बेबी आपको ही विराट से बात करनी होगी, दी ने मुझसे कहा था आपको बताने के लिए। मैं करती हूँ बात उससे। विराट, विराट ये क्या बात हुई? अपनी माँ से ऐसे मुंह फेर लेगा तू? विराट हम सब तो एक फैमिली है ना बेटा, देख तेरे मन में जो कुछ भी है हमें बता तो सही। आप जानती थी कि मॉम ने मेरी कॉफी में वो दवाई मिलाई है? जानती थी आप? इन्वॉल्व थी आप भी इस सारे तमाशे में? नहीं नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं दी को इतनी बड़ी गलती करने देती? हाँ कभी नहीं, मैं रोकती हूँ उन्हें। ये कविता बात बना रही है के बिगाड़ रही है? अब पता नहीं दी के मन में क्या चल रहा था जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। ओ तू चुप कर, जो मुंह में आया बोलती जा रही है। बेटा सच सच बताइए, आपको भी पता था? नहीं पुत्र बिल्कुल भी नहीं, मुझे 100 लगे रब दी, तू कहे तो मैं अपनी 100 भी खाने को तैयार हूँ। मैं तो परेशान हूं बेटा, पर वो क्या है ना बेटा कि एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए इतना हावी हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि क्या बेटा कि वो अपने बच्चे को मैनिपुलेट करती है, उससे बार बार झूठ बोलती रहती है, इतना झूठ मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। बेबी अगर आप सब कुछ जानती है उसके बाद भी आप मॉम को सपोर्ट कर रही, क्यों ना करें उन्हें सपोर्ट विराट? उन्होंने भी तो तुझे हर कदम पर सपोर्ट किया है। प्रियंका से धोखा खाने के बाद जब तूने दिल्ली छोड़ने का फैसला लिया तब सब तेरे खिलाफ थे, याद है ना तुझे? उस वक्त तेरा साथ किसने दिया? हाँ ना सोसाइटी के बारे में सोचा, ना रिश्तेदारों के बारे में सोचा,
यहाँ तक कि अपने फ्यूचर के बारे में भी बिना सोचे वो कौन था जो तेरे साथ खड़ा था? और तुझे क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? हाँ, क्योंकि तू उनके लिए सबसे पहले है। तेरी खुशी के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखता वीरा। वही तो प्रॉब्लम है मासी, वही बात समझ नहीं आ रही मुझे। उन्होंने तो सब देखा है ना, जब प्रियंका छोड़ के चली गई थी कैसी हालत में था मैं, टूटा हुआ था, दिन रात रोता रहता था, अपना घर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, मॉम ने सब देखा है ना। और आज इसी प्रियंका से मेरी शादी करवाना चाहती थी मॉम, उसे झूठ बोल के भेजे अपने ही बेटे को वो नशीली दवाई पिला के, और सारा ब्लेम किस पे? बैंकर पे, सारा इल्जाम उस पे लगा दिया। हाँ तो वजह भी तो अमृता ही है, सारे फसाद की जड़ भी तो वही है ना। नहीं बेबे, वो नहीं है, और ये गलत है बेबे। आप लोग हर छोटी सी छोटी चीज के लिए बैंकर को ब्लेम नहीं कर सकते। स्पेशली आज जो हुआ है ना, आज जो मुझे पता चला उसके बाद तो बिल्कुल नहीं बेबे। अगर मॉम से गलती हुई है तो मॉम को गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। उनको क्या लगा बैंकर पे पूरा ब्लेम डाल के उनको क्लीन चिट मिल जाएगी बेबे? नहीं बेबे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, और मुझसे तो ये कोई एक्सपेक्ट ना ही करे। अच्छा अच्छा विराट, ठीक है, तू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। देख दी ना, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगी, हा? लेकिन तू इस बात को समझने की कोशिश तो कर कि उनकी नीयत तुझे धोखा देने की नहीं थी। इंसान की नीयत उसकी हरकतें बताती है मासी। और मॉम ने क्या किया, क्या करने जा रही थी वो? जबरदस्ती मेरी शादी प्रियंका से करवाना चाहती थी। और आप ये किस बात की जस्टिफिकेशन दे रही है मुझे? मॉम ने जो किया उनको तो बिल्कुल पछतावा नहीं है, अभी मिलके आया उनसे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी शादी उस प्रियंका से हो जाने के बाद क्या करती हूँ? क्या यहां से गृह प्रवेश करती मेरा प्रियंका के साथ? या नहीं नहीं नहीं, रोज वो किसी न किसी चीज में वो नशीली दवाई मिला के मुझे पिलाती रहती, मुझे बेहोश रखती बेबे। उसके बाद क्या होता, किसी ना किसी दिन तो मुझे होश आता ना, दिखती ना मुझे प्रियंका इस घर में, तब उसको धक्के मार के यहां से बाहर फेंक देता या खुद ये घर छोड़ के चले जाता। उसके बाद क्या करती मॉम, क्या लगता है आपको? कहीं इस बार अमृता को तो ट्रक के आगे धक्का नहीं दे देती मॉम? नहीं विराट, बोले ना बेबे, मॉम एक्चुअली में बैंकर को ट्रक के आगे फेंक देती। हाँ फेंक देती मैं उसे ट्रक के आगे, और अमृता ही क्या, अगर तेरी भलाई के लिए मुझे ट्रक के आगे आना पड़ता तो भी मैं आती। मैं तेरे लिए एक क्या 100 लोगों की जान कुर्बान कर सकती हूँ विराट, तेरी रक्षा करना मेरा फर्ज है, एक माँ का फर्ज है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।